हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल डिजिटल गंसी टेक्निकल में। और फ्रेंड्स, बिटकॉइन यूजर्स के लिए बुरी खबर, और हे भगवान ये क्या कह दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ आज। लेकिन उससे पहले याद दिलाते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लाते हैं डेली क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आज जो ये न्यूज़ निकल करके आ रही है फ्रेंड्स, ये बहुत ही बुरी खबर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक आश्चर्यचकित करने वाला एक वर्डिंग आया है। जैसा कि आपने अभी तक देखा कि क्रिप्टो करेंसी की लोग तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं और उसकी अच्छाइयां हर एक कंट्री से सुनने में आ रही है। कोई पीएम हो या सीएम हो या गवर्नर हो या बैंक हो या कोई भी कंट्री की अगर हम बात करें, बिटकॉइन हो या क्रिप्टो करेंसी हो, लोग अच्छी तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी हो या बिटकॉइन हो बहुत ही अच्छा फायदा देता है और उससे लोगों की बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, उससे गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है, टैक्सेस पेड हो रहे हैं और इकोनॉमिक भी ग्रो कर गई। इसी तरीके से आप इंडिया में, अभी एक पिछली न्यूज मैंने जो शेयर किया था कि अगर ब्लॉकचेन का यूज करती है तो 5 बिलियन डॉलर की इकोनॉमिक जीडीपी हो जाएगी। तो कहीं नहीं हर जगह हम मान सकते हैं कि ब्लॉकचेन हो या क्रिप्टो करेंसी हो, हर जगह उसको लोग एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, एडाप्टेबिलिटी बढ़ रही है और हर तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बिटकॉइन हो या ब्लॉकचेन हो, दोनों का फ्यूचर नजर आ रहा है। लेकिन आज जो ये न्यूज निकल करके आ रही है कि जेपी मॉर्गन सीईओ, जेपी मॉर्गन क्या है फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है या हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी बैंक भी है। तो जेपी मॉर्गन के जो नए सीईओ बने हैं जेमी डिमन, इनका ये मानना है कि रिटर्न टू बिटकॉइन बैसिंग कॉल्स क्रिप्टो करेंसी आ स्कैम। मतलब इनकी जो वर्डिंग है, इन्होंने क्या कहा है कि क्रिप्टो करेंसी भी जितने, अब क्रिप्टो करेंसी को इन्होंने कहा, मतलब क्रिप्टो करेंसी में वो चाहे बिटकॉइन हो या रिप्पल हो, इथेरियम हो, मतलब 1600-1700 प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी को ही इन्होंने स्कैम बोल दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इन्होंने स्कैम कहा और इनका ये मानना है, जेपी मॉर्गन जो डेमिन ये हैं, इन्होंने स्कैम बोला और इन्होंने कहा कि हमारा इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इनकी कोई भी रुचि नहीं है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और यहाँ पर जो एक और बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि इन्होंने यही माना है कि हम क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट तरीके से नहीं मानते हैं, हम इसको स्कैम मानते हैं, हम इसको फ्रॉड मानते हैं। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बहुत सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं कि इन्होंने कहा रिग्रेटेड है, फ्रॉड है और इसका कोई अच्छे तरीके से इसका यूज नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने इस कमेंट में, यहाँ पे एक सेशन हुआ था उन्होंने, इन्होंने ये चीज़ कहा था। और सबसे बड़ी बात क्या कही है कि इन्होंने द सजेस्टेड गवर्नमेंट में मूव टू शट डाउन, मतलब इनका ये मानना है कि गवर्नमेंट को कि बिटकॉइन हो या क्रिप्टो करेंसी, उनको बंद करना चाहिए क्योंकि इसकी इनएबिलिटी टू कंट्रोल देम, मतलब आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी हो या बिटकॉइन हो, आपको पता है कि ये कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए। तो ये था फ्रेंड्स जेपी मॉर्गन सीईओ जेमी डिमन का एक जो इनका निकल करके आया, इन्होंने जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहा। अब फ्रेंड्स, मुझे जो लगता है कि क्रिप्टो करेंसी स्कैम हम नहीं कह सकते, जो मेरा ओपिनियन है कि क्रिप्टो करेंसी स्कैम नहीं होती है, उनके फाउंडर स्कैम होते हैं। जैसे अगर हम इंडिया के बहुत सारे टोकन की बात कर लें या बिट कनेक्ट की बात कर लें, बहुत सारे टोकन या क्वाइन आपको याद होंगे जिनके फाउंडर हैं, जो सीईओ हैं, उन्होंने स्कैम किया है, तो हम उनको स्कैम बोल सकते हैं, ना कि क्रिप्टो करेंसी का। लेकिन ये दुनिया है फ्रेंड्स, लोग अपने अपने व्यूज, अपने विचार दिया करते हैं। अब फ्रेंड्स, आप लोग हमें बताइएगा कि एक सवाल है सबसे बड़ा कि क्रिप्टो करेंसी स्कैम होती है या उसके फाउंडर स्कैम करते हैं, बताइएगा जरूर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज निकल करके आई है। तो ये था आज का कुछ लेटेस्ट अपडेट, आप लोगों के लिए शेयर करना बहुत ही जरूरी था। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि सभी लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मिलेंगे बहुत जल्द दूसरी अपडेट के साथ में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।